नमस्कार, मैं हूँ सुकृति रॉय और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी है। इनकम टैक्स ने गहलोत के दिल्ली के वसंत कुंज स्थित घर में छापा मारा है। इनकम टैक्स विभाग ने अभी कोई भी जानकारी नहीं दी है कि किस मामले को लेकर ये छापेमारी की गई है। कैलाश गहलोत दक्षिण पश्चिमी दिल्ली के नजफगढ़ से विधायक हैं और मई 2017 में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें परिवहन मंत्री बनाया था। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने गहलोत के दिल्ली और गुड़गांव के 16 ठिकानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी ब्रिस्क इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट लिमिटेड एंड कॉरपोरेशन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में भी चल रही है। आपको बता दें कि इस साल जुलाई में आयकर विभाग ने आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और स्वराज इंडिया प्रमुख योगेंद्र यादव के परिवार से जुड़े एक अस्पताल समूह के कई परिसरों पर छापेमारी की थी। इस छापेमारी के दौरान विभाग ने 27 लाख रुपए की नकदी, कई दस्तावेज और भुगतान की रसीद जब्त की थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।